नमस्ते वेबमास्टर्स, हमारी इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। बिनॉय पूछते हैं, मेरी साइट पर मेरे पास एक ही कंटेंट वाले चार अलग अलग यूआरएल हैं। ऐसा कई पेजों के लिए होता है, क्या गूगल इसे डुप्लीकेट कंटेंट के रूप में मानता है? मैं इन डुप्लीकेट पेजों को कैसे निकालूं? तो बिनॉय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। तो ये समझिए कि किसी साइट पर डुप्लीकेट कंटेंट होना तब तक बुरी बात नहीं है जब तक कि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि डुप्लीकेट कंटेंट का इरादा एल्गोरिथम को भ्रम में डालना और सर्च इंजन रिजल्ट्स में हेरफेर करना है। अधिकांश वेबसाइटों में कुछ डुप्लीकेट कंटेंट होता ही है और हम आम तौर पर हमारे सर्च रिजल्ट्स में दिखाने के लिए कंटेंट के किसी एक वर्जन को चुनने का काम कर लेते हैं। आपके मामले में ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS कैसे काम करता है। तो कई मामलों में ये सिस्टम एक ही कंटेंट को कई रूपों में दिखाता है, जैसे कि कोई एक पोस्ट आर्काइव में, कैटेगरीज में या लेबल के तहत दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में एक ही कंटेंट वाले चार URL अपने आप ही बन जाते हैं। अगर आपकी साइट में बड़े पैमाने पर एक जैसे कंटेंट वाले कई पेज शामिल हैं तो कई तरीकों से आप गूगल को अपना पसंदीदा या प्रेफर्ड URL बता सकते हैं। जिन तरीकों से आप ये कर सकते हैं उनकी एक विस्तृत सूची हमारे हेल्प सेंटर पर दी गई है, जिसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। आपको लिंक पर जाकर ये देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। हालांकि मैं यहाँ कुछ आम तरीकों के बारे में बात कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप दूसरे URL से ट्रैफिक को अपने प्रेफर्ड URL पर भेजने के लिए 301 रीडायरेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। एक सर्वर साइड 301 रीडायरेक्ट ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यूजर्स और सर्च इंजन को सही पेज पर रीडायरेक्ट किया जाए। दूसरा, आप rel equal to canonical लिंक एलिमेंट का उपयोग करके अपने प्रेफर्ड URL के बारे में बता सकते हैं। इसमें ध्यान दें कि हम इसका पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी मामलों में इस प्रेफरेंस की गारंटी नहीं दे सकते। प्रेफर्ड URL के बारे में बताने के लिए आप साइट मैप का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास आगे कोई भी और प्रश्न हो तो आप हमारी इंडिया जी प्लस कम्युनिटी या वेबमास्टर हिंदी प्रोडक्ट फोरम पर आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इनकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही एक और वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।